कांकड़िया तालाब पर हैं, अहमदाबाद, कांकड़िया लेक, मणिनगर विधानसभा सीट और यहाँ बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ हम गुजरात की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, अब बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, गुजरात समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। बिहार की राजनीति पर आपसे चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी, एक तो उनका बिहार से ताल्लुक नहीं है, बिहार में उनकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी से शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी आ रही है गुजरात में और झाड़ू लेकर आ गई है, झाड़ू लेकर आ गई है। मैं आपको थोड़ा पहले की विधानसभा के बारे में बता दूं। 2070 में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी इलेक्शन लड़ने की, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग एक भी सीट पर लड़ाए नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। 2070 में आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं थी तो अचानक उसका संगठन और आम आदमी पार्टी गुजरात में कैसे आ गई, उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि पहले दिल्ली कैसे कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए भी उनका क्या तरीका था, क्यों हुआ, वो सब जानने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने 4-5 मुद्दे ऐसे उठाए थे कि जो बीजेपी को भारी पड़ सकता था। उसमें ऐसा था कि एक जो था वो महिला की जासूसी कांड था, वो भी उन्होंने विधानसभा में जाकर बताया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जासूसी कांड कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब 5-5 लाख का चेक दिया था, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे पैसा है, ये सब विधानसभा दिल्ली में रजूआत हुई थी। तो फिर हुआ कि बीजेपी ने उन्हें बता दिया कि भाई आप दिल्ली संभालिए, हमारे पास अभी मत आइए, तो उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया। 67 सीटें जो थी ना वो इसकी वजह से मिली। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं गुजरात। नीतीश कुमार ने बीजेपी के बीटीपी जो है, जो आदिवासी नेता है उनके साथ गठबंधन किया है, और उनको जो अभी कितनी सीटें लड़ानी है क्या है अभी पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, मगर गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार का क्या भविष्य गुजरात में? गुजरात में तो उनका भी नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में अभी पहले से देखिए 50 साल से कि तीसरी पार्टी चलती नहीं है। जैसे की जो पार्टी आई थी वो भी नहीं चली थी, उसमें भी 2 सीटें मिली थी। चिराग पासवान को लेकर क्या रहा है? चिराग पासवान जो है वो अमित शाह के साथ सेटअप करके यहाँ गुजरात में लड़ने वाले हैं। वो जो कांग्रेस के जितने भी जो छोटे छोटे जो SC ST वाले वो वोट तोड़ने की कोशिश को, ये प्लान है चिराग पासवान का है। चिराग पासवान और अमित शाह के बीच ये डील हुई है, बड़ौदा में डील हुई है, बड़ौदा में। हाँ, मैं भी बता सकता हूँ। और उसके बाद अमित शाह गए थे सूरत, बराबर है, हो चुकी है। और तीसरी के जो गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, और वही काम करेगी जो कांग्रेस के वोट तोड़ेगी। तो चलिए, गुजरात से विधानसभा चुनाव पर चर्चा। नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है गुजरात में, चिराग पासवान का प्लान भी लीक कर दिया है यहाँ गुजरात के लोगों ने, और ये बता दिया है कि चिराग पासवान गुजरात आकर क्या करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।